मीडिया के दोस्त जो यहाँ आए हैं आज, मिस्टर उत्तम सिंह मंडी, सीईओ ऑफ पीजीटीआई, स्पेशल सेक्रेटरी अमरजीत जी, सुनैना जी, मानव जी, ओम प्रकाश चौहान साहब, शर्मा जी और आप सब, मैं आपसे दो तीन बड़े इम्पोर्टेंट बातें करने लगा हूँ। टूरिज्म सेक्टर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में राउंड अबाउट 7.4% जीएसडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 2.1 मिलियन जॉब्स कंट्रीब्यूट करता है और आगे आने वाले वक्त में, अगले 10 साल में हमारा टारगेट ये है कि टूरिज्म 10% ऑफ जीएसडीपी करे और डॉक जॉब्स जो है वो डबल हो जाए, यानी 2.1 मिलियन से अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन के आसपास हम इसको ले जाए। जम्मू कश्मीर अपने आप में टूरिज्म सेक्टर के सब सेक्टर्स, एडवेंचर टूरिज्म हो, माइस टूरिज्म हो, पिलग्रिम टूरिज्म हो, चाहे लेजर टूरिज्म हो या फिर गोल्फ टूरिज्म हो, वी हैव प्रोडक्ट्स इन एवरी नीच सेक्टर ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। सो यू हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैलीज इन जम्मू एंड कश्मीर, यू हैव सम ऑफ द बेस्ट skiing destinations in Jammu and Kashmir, you have some of the most sought after pilgrim destinations in Jammu and Kashmir. Likewise, after the G20 event, Jammu and Kashmir has come on a global platform with regard to MICE tourism. A lot of queries are coming in Jammu as well as in Kashmir of how to engage with that sector of tourism, that niche core area of tourism. गोल्फ टूरिज्म की जहां तक बात है, गोल्फ टूरिज्म अपने आप में पूरी दुनिया में टूरिज्म के बड़े इंपॉर्टेंट नीच सेक्टर्स में आता है। एवरी प्लेस विच इज वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म हैज गोल्फ टूरिज्म एज वन ऑफ इट्स कोर फोकस पॉइंट्स। सो बी इट यूएसए, बी इट यूएई, बी इट थाईलैंड, बी इट मलेशिया, बी इट सिंगापुर, बी इट एनी कंट्री फॉर दैट मैटर, एंड लाइकवाइज in our country we have golf tourism coming up as one of the best core focus destinations. Hamare desh mein golf tourism aaj kal ke date mein bahut aage ki level ka world class standard ka aane wala hai aur ho chuka hai hamare pure country mein, be it the north, south, east, west coast, everywhere in our country we have the best world class golf destinations. To Jammu Kashmir bhi isi